कहीं जा नहीं रहे हैं। जबरदस्ती चर्च पे हमला, चर्च पे पास्टर के ऊपर हमला, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये जबरदस्ती है कि ये लोग मामला फैला रहे हैं। देख लीजिए सर, ये पुलिस है, इस तरह करना चाहिए। जबरदस्ती कर रहे हैं, कोई चोर डाकू है क्या? ऐसे थोड़ी नहीं किया जाता किसी के साथ, ना कोई वारंट है ना कोई कुछ नहीं। अपनी कैसा रूप है वो कैंसिल वॉलंटियर्स बोला आपने कैसे बोल सकते हैं? अपना काम करो, ज्यादा बोलो मत। तुम जबरदस्ती करो, हम अपना काम करें। जबरदस्ती करते हेलो वेत एक दरबार में आ जाते तो हेलो एक दरबार में आ जाते भैया आप लोग थोड़ा। अरे झगड़ा करे खाती यहाँ कुछ लोग। अरे ये दरबार में या पुलिस आया है ना, जबरदस्ती कर दिया ये। हाँ तो एक और को कॉल करते ना, कौन हो यार? लेकिन सर ये गलत, बहुत गलत तरीका है ये सब जबरदस्ती, मतलब किसी को ले जाना बिना पेपर के। हेलो कहाँ है आप लोग? जल्दी चर्च में आ जाएं आप लोग। जबरदस्ती पापा को पुलिस ले जा खाती है बिना वारंट के, बिना पेपर्स के। हाँ जबरदस्ती पूरा हमला करें मरबो भाई नमका। हाँ अरे के क्या ही पूछेगा फिर, राहत दे चाचा आप, आपका पूरा डिटेल देगा आप था। पापा लो फोन के लिए है सूरज, उस तरह ना करें नहीं तो लोग मारपीट का वो बना दिए। मारपीट नहीं बना ना, इस तरीके से तक सही बोले सब पता से देखो कि एक कुलदीप पापा पानी दे दे इधर से, इधर से दे। हाँ चाचा, अरे चाचा हिया, हेलो हेलो चाचा यही ना है, पूरा झगड़ा तेरा करता है चाचा, जबरदस्ती मतलब पूरा जैसे हमला कर रहा थी आदमी वो तेरा करता है पूरा। अभी दरबारे में है पापा,
कुछ नहीं, ना पेपर दिखाते ना कुछ, बस जबरदस्ती करता है। एक लोग आए ने पूरा जबरदस्ती जैसे मुजरिम का घसीटा तो उतना घसीट के ले जाकर सोचे ने एक जने आए। अब लोग दरबारे में पापा रूम में बंद करे, लोग बाहर खड़ा है सब लोग। ठीक चाचा आ जाए दरबार में, ठीक है आवत है, ठीक ठीक आवे। दलाट मेरे मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। मेरे मसीही भाई बहनों, जैसा कि अभी आपने वीडियो क्लिप में देखा कि वीडियो क्लिप में किस तरह से काफ़ी पुलिस की फोर्स पहुंचते हैं चर्च में आधी रात को, और रात में पहुंचने के बाद ज़बरदस्ती अरेस्ट बिना वारंट का पास्टर्स को अरेस्ट करने की कोशिश और प्रयास करते हैं। मेरे मसीही भाई बहन, वहाँ पर काफ़ी कलीसिया के लोग वहाँ पर बैठ के दुआ प्रार्थना कर रहे थे, और अचानक वहाँ पर बिना वारंट के बिना सूचना के वहाँ पर पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की आराधना दुआएं कर रहा है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश की ये इलाहाबाद की घटना है। मैंने पिछली वीडियो में भी उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद की एक घटना मैंने आपको बताया था। मैं वीडियो नहीं वो देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कीजिए, उस वो वीडियो को मिल जाएगा। मेरे मसीही भाई बहनों, ये चर्च के अंदर जो भी दुआ प्रार्थना होता है, ये इन्होंने हाईकोर्ट से परमिशन लिया था। हाईकोर्ट ने इनको परमिशन दिया था कि आप दुआ प्रार्थना आराधना कर सकते हैं। फिर भी वहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस वहाँ पहुँचते हैं और इस पास्टर्स को बिना वारंट का अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से अरेस्ट ऐसा करता है कि लगता है कि ये माओवादी और मसीही भाई बहनों इस तरह से इसको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा मतलब गिरोह का ये है, शामिल है मेरे मसीही भाई बहनों, यानी कि उसको अपराधी घोषित किया जाता है। क्या यीशु मसीह की प्रार्थना आराधना करना, सुसमाचार पहुंचाना आज के डेट में मेरे मसीही भाई बहनों भारत देश में इसे अपराधी घोषित माना जाता है? अपराध यानी घिनौना अपराध माना जाता है। जी हाँ, यीशु मसीह की आराधना अगर आप कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी आपके घर में पुलिस प्रशासन पहुँच सकती है बिना बिना वारंट की, बिना सूचना दिए हुए आपके घर में आधी रात को आपको बिस्तर से उठा के ले जाएगा। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, तो तैयार रहिए कि आधी रात को आपको पुलिस आपके कभी भी घर पे पहुंच सकता है, क्योंकि आप किसका आराधना कर रहे हैं? मार्ग सत्य और जीवन जो प्रभु यीशु मसीह देता है उसका आराधना कर रहे हैं। जी हाँ मेरे मसीह भाई, जो कोई उसका आराधना करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन इस वीडियो से दर्शा दिया है, यानी बता दिया इतना कितना घिनौना काम किया उत्तर प्रदेश की पुलिस। आज मुझे समझ में आया कि इस आधी मतलब रात को पकड़ने का मतलब सिर्फ उसी लोगों को किया जाता है जो अपराधी होता है, जो बहुत सारा अपराध कर रखे हुए, जो पुलिस की निगाहों में है और बहुत ऐसी अपराध किए हुए, इसी वजह से मतलब उसे अरेस्ट किया जा रहा है। मेरे मसीह भाई, बहुत ऐसी बात है जो हम बताना चाहते हैं लेकिन फिर भी YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन से बहुत सारी ऐसी बात की वजह से हम खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं मेरे मसीह भाई। लेकिन दुआ कीजिएगा कि चर्च के अंदर जो भी पास्टर्स को जो भी अरेस्ट करने की कोशिश किया, प्रभु पुलिस प्रशासन को मन को बदले और उसकी बुद्धि ज्ञान दे मेरे मसीह भाई। और मैं आप सबसे आग्रह और निवेदन और विनती करता हूँ मेरे मसीह भाई बहनों कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना कीजिए, सरकार के लिए प्रार्थना कीजिए, और याद रखिए वोट उसी को दीजिए जो आपके साथ हो, क्योंकि ये शासन प्रशासन समझ गए होंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।